एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का रोब्लॉक्स के एक और नए मजेदार एपिसोड में। और आज हम खेल रहे हैं मेगा मैंशन टाइकून, जहां पर आज हम अपने लिए एक लग्जरी मैंशन बनाने वाले हैं। सिर्फ मैंशन तक ही नहीं, हम बीच हाउस भी बनाएंगे, पेंट हाउस भी बनाएंगे, पता नहीं और क्या क्या अपडेट्स आए इस गेम के अंदर। बट स्टार्ट करेंगे हम मेगा मैंशन से और देखते हैं हमें कितना खर्चा आएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना, $1 million तो नहीं, $1 billion जरूर आएगा खर्चा। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम रूबक्स भी खर्च करेंगे भर भर के, ताकि हम थोड़ा स्पीड से ना अपग्रेड कर सके। और अभी हम अपनी मैंशन की जगह पर आ चुके हैं। अभी तुम्हें ये खाली जगह दिख रही होगी, बट कुछ ही देर के अंदर ना यहाँ पर एक लग्जरी मैंशन बनने वाला है। मेरे पास में अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ $900 है, और जो कैश है वो सिर्फ और सिर्फ $100, जिसके अंदर मैं यहाँ पर ना बस एक लैंड ले सकता हूँ जिसके ऊपर हम मैंशन बनाने वाले हैं। बट पहले ना शॉप के अंदर चीजें चेक करते हैं जो खरीदने लायक हो, जैसे कि ये डबल मनी जो कि काफी ज्यादा महंगा है, 650 रुपक्स, मतलब असली के 650 रुपए। और ऑटो कलेक्ट भी जो है ये 350 का है। डबल मनी ले या ना ले, ऑटो कलेक्ट अपने को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार ना अपना मेंशन जब बड़ा हो जाता है ना, तो अपने को वहां से यहाँ आना पड़ता है पैसे लेने के लिए। और क्या बढ़िया बढ़िया चीज है, ये है लो ग्रेविटी, ये है एक्स्ट्रा स्पीड, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी ये कार के पैक है, वो सारी चीजें ना हम एंड में परचेस करेंगे। यहाँ तो बहुत सारे लग्जरी कार के पैक्स है जो की अच्छे खासे महंगे। फिलहाल में ना मैं गूगल से कुछ कोड्स निकालता हूँ, ताकि हमें उससे ना काफी सारी फ्री की चीजें मिल जाए। बट यहाँ पर ना कोड्स डालने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और ये है हाउस लेवल मेगा मेंशन जो अभी हम बनाने वाले हैं, वो अभी 0% प्रोग्रेस पे है। फिर उसके बाद में बीच हाउस बनाना है, पेंट हाउस बनाना है, फिर ट्रॉपिकल हाउस बनाना है। तो ये चारों की चारों चीजें बनाएंगे, बट पहले हम बनाएंगे अपना लग्जरी मेंशन। और देखते ही देखते ना यहाँ पर $1600 आ गए, जिससे ना मैं एक फटाफट से पाथ बना लेता हूँ, और ये कार लगाने के लिए ना यहाँ पर एक ड्राइववे बना लेता हूँ। और धीरे धीरे करके ना यहाँ पर अपने पैसे की जो स्पीड है, पहले $1 आ रहे थे, बट अब ना हमारे पैसे आने की स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई। एक काम करता हूँ, मैं ड्राइववे की ना वॉल बना लेता हूँ, ठीक है। दो साइड से ये वॉल आ गई, और यहाँ पर लाइट्स लगा देता हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा लग रहा है काफी ज्यादा। और भाई पैसे की स्पीड ना अपनी सच में बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर अपने को एक और फ्लोर बनाना है, ठीक है, फ्लोर भी बना लेते, $120 का डोर भी लगा लेते, अंदर जाकर ना कुछ विंडोज भी लगा लेते। अब देखना चीजें कैसी कैसी महंगी होते जाएगी। हर कुछ देर के अंदर ना चीजें काफी ज्यादा, मतलब जो $5 की चीज है वो $500 तक अपने को मिलेगी। देखते देखते यहाँ पर वॉल्स देख रहे हो, 1100 की वॉल्स आ रही है। मैं काम करता हूँ, अपने को रूबक्स खर्च करने ही पड़ेंगे। तो हम ना डबल बूस्ट ले लेते हैं, और साथ ही साथ हम मैग्नेट वाली पावर भी ले लेते हैं, तो अपने को बार बार ना यहाँ पर आके कैश कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिक अपना कैश ना बढ़ता रहेगा। वैसे अकाउंट में आई गेस मेरे पास में 20 रूबक्स अभी पड़े हुए हैं, या फिर नए रूबक्स खत्म हो गए, तो मैं ना कम से कम 2-3 हजार के रूबक्स परचेस कर लेता हूँ फटाक से। मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ और सिर्फ 5 रूबक्स बचे हुए हैं। अपने को बहुत सारे परचेस करना है, मतलब 1700 रुपए का एक पैक है, 1800 रुपए का एक पैक है, 900 रुपए का एक पैक है, एक 4500 का है, और एक सीधा 17000 का है। और पता नहीं अभी कौन सा बंदा आ गया साथ में, क्या ये हमारा सब्सक्राइबर है, आई गेस, पता नहीं कौन है। जो भी है भाई, चला जाए यहाँ से, अभी मैं काम कर रहा हूँ। ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्यों नाच रहे हैं, और इसकी कार देख रहे हो कितनी ज्यादा तगड़ी है भाई, सच में बहुत ज्यादा। मतलब मेरा मन कर रहा है ना, मैं सिर्फ फिलहाल के लिए ऑटो कलेक्ट ले लूं, क्योंकि पैसे आने की जो स्पीड है ना वो अपनी बढ़ रही है, अच्छी खासी बढ़ रही है फिलहाल में। बटना हम सीधा 1800 रुपए वाला रूबक्स परचेस करने वाला है, इसकी ऐसी की तैसी जो होगा देखा जाएगा। ओके, तो रूबक्स ऐड हो चुके हैं, टोटल हमारे पास में 1705 रूबक्स है। और भी बहुत सारी चीजें हम परचेस कर सकते हैं, बट फिलहाल में हम दो ही चीजें परचेस करने वाले हैं, एक तो डबल मनी, दूसरा वो मैग्नेट वाली पावर। डबल मनी आ रहा है 650 रुपए का, भाई खर्च कर दो खर्च कर दो। मेरे पास में ये खर्च करने के बाद में 1055 रूबक्स बचेंगे। डबल मनी हमने ले लिया, अब जो हमारे पैसे आने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये ऑटो कलेक्ट जो है ये भी मैं परचेस कर रहा हूँ, ताकि हम ना स्पीड से प्रोग्रेस कर सके। दोनों चीजें परचेस कर ली, बाकी रूबक्स में संभाल कर रख रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्पीड की अपने को जरूरत है नहीं। खामखा 150 रूबक्स खर्च हो जाएंगे, वो तो हम ऐसे ही दौड़ते दौड़ते कर लेंगे। अभी अगर यहाँ पर नहीं, यहाँ तो $0 आएगा, क्योंकि अब सारे के सारे पैसे ना अपने जेब में आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी पार्किंग के ऊपर कुछ नहीं खर्च करने वाले, क्योंकि पार्किंग ना बहुत ज्यादा महंगी है, इसीलिए अभी हम सिर्फ अंदर का काम करेंगे, सबसे एंड में हम पार्किंग पे खर्च करेंगे। इसके अंदर ना एक हेलीकॉप्टर आता है, और हेलीकॉप्टर सच में बहुत ज्यादा महंगा होता है भाई, वो 1.5-2 मिलियन डॉलर के आसपास में कुछ तो वो आता है। इधर की सारी वॉल बन गई, अब यहाँ पर ना काउच लगा लेता हूँ और एक विंडो लगा लेता हूँ फटाफट से। इधर भी एक विंडो, इधर भी विंडो, इधर भी विंडो, इधर भी विंडो। मेरे पास में पैसे आ रहे हैं ना ज्यादा स्पीड से भाई,
यस आ रहे हैं, $46 आ रहे हैं हमें हर एक सेकंड के अंदर, जो कि अभी बहुत कम है शुरुआत के हिसाब से, बट ये धीरे धीरे करके ना बढ़ जाएगा। ये तो 2x हमने परचेस किया तब जाकर इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, वरना अगर हम ऐसे रैंडम करेंगे ना, मतलब रूबक्स अगर खर्च नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है छोटी मोटी चीजें ही अपग्रेड करने के लिए। इधर भी एक टेबल आ गया, काफी ज्यादा बड़ा टेबल है। वैसे यहाँ का फ्लोर ना थोड़ा सा सस्ता आ रहा है, एक काम करता हूँ यहाँ पर वॉल्स और डोर लगा देता हूँ। यार पैसे भाई बहुत जल्दी खर्च हो गए हमारे पास में, इधर तो इंतजार ही करना पड़ेगा पैसे आने का अब अपने को। ये सिर्फ मैं गराज की वॉल्स वगैरह वो बना करना इसे रहने दे रहा हूँ। ये आ गया हमारा गराज डोर, उसके बाद में ये काउंटर। अभी हमारी इनकम हो गई ये $66 हर सेकंड की। इधर कभी एक गराज डोर लगा देता हूँ, ये भी सस्ता आ रहा है। एक एक चीज ना पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर ना अभी दो फ्लोर और आने बाकी है। 2-4 बिलियन तो अपने को खर्च करने ही पड़ेंगे यहाँ पर। जस्ट इमेजिन अगर हम वो मैग्नेट वाली पावर नहीं लेते, अपने को बार बार रोड पर जाना होता, वहां से पैसे कलेक्ट करके यहाँ पर आना होता, फिर खर्च करो फिर जाओ, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसीलिए मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा खर्च कर दिया, ₹1800 हमने ऐसे लगा दिए। बस इधर का एक कैबिनेट बनाना, इधर बाथरूम वगैरह वो आएगा, इधर साइड में ना बाथरूम आएगा एक छोटा सा। उधर का चलो इधर पहले डोर लगा देता हूँ। अंदर ना सीलिंग बची हुई है, सीलिंग के बाद में कुछ लाइट्स लगेगी। ₹3000 तो भाई यहाँ पर ना बड़ी सी पेंटिंग, क्या है पेंटिंग के अंदर, बस लाइनें बनी हुई है $3000 की। ये लूटने के काम है भाई, ये अमीरों के चोचले, ये बस लूटने का काम करते हैं, कुछ इतना ऐसा खास है भी नहीं पेंटिंग के अंदर। टोटल अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 6% प्रोग्रेस किया है इतनी सारी चीजें बनाने के बाद भी। चलो ये लग गई सीलिंग, अब सिर्फ और सिर्फ $1600 की यहाँ पर लाइट्स लगेगी। ठीक है, ये जगमगा गया हमारा गराज, ये वाला काम हो गया अपना कंप्लीट। अब बस इधर साइड में अपने को वॉल्स और बाथरूम का काम स्टार्ट करना है। अब $6700 की लाइट्स, भाई कितना ज्यादा लूट रहे। थोड़ा सा सस्ता सामान अगर देते तो फिर अच्छी बात होती, हर एक चीज को ना इतना महंगा बना रहे भाई, जिसका भी घर होगा पता नहीं। मैंने $16000 अभी जमा किए, वो एक ही सेकंड के अंदर खर्च हो गए भाई। चलो ठीक है, इधर की भी टॉयलेट की सीट कितने की आ रही है, ₹1400 की टॉयलेट की सीट, मतलब ₹1.5 लाख पर बैठकर हम टट्टी करने वाले, क्या बात है। यहाँ सीलिंग नहीं लगेगी, ऊपर का जब फ्लोर बन जाएगा उसके बाद में लगेगी। चलो जब इतना खर्चा यहाँ कर ही दिया है तो थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं कम से कम नकली। ये $2500 की लाइट्स, चलो ये हो गया अपना काम कम्प्लीट। एक साइड हमने पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ना बड़ी बड़ी और काफी ज्यादा महंगी महंगी चीजें अभी आने वाली है। ये एक और काउच आ गया $3000 का काउच, कारपेट आ गया, कारपेट चलो ठीक है $2400 सस्ता ही था। और ये ₹1500 के बीम बैग और ये छोटा सा फायरप्लेस। अब हमारी इनकम $110 प्रति सेकंड हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है अभी के स्टार्टिंग के हिसाब से। बट चीजें ना और महंगी होती जा रही है, जितनी ज्यादा स्पीड से पैसे आ रहे ना उससे ज्यादा स्पीड से तो चीजें महंगी होती जा रही है भाई। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर की भी हमने मतलब जितना भी काम था यहाँ का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस इधर साइड बैक साइड में ना स्विमिंग पूल वगैरह वो आएगा, मेरे को याद है अपडेट के बाद में इसे अब खेल रहा हूँ। ये लग गई इधर बड़ी सी सीलिंग, वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल हो चुका है। अब ये लाइट लगा के ना थोड़ी सी रोशनी कर देते, झूमर देख ले हो कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं ना जो हमारा फ्रंट डोर है ना उसे लॉक कर देता हूँ, वरना कोई भी आएगा और हमें परेशान करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ना थोड़ी सस्ती चीज लगाते है, $3000 का फ्लोर और $750 की यहाँ पर कुछ वॉल। ठीक है, इधर भी एक डोर लगा देता हूँ जो कि बैक साइड के स्विमिंग पूल के साइड में ओपन होगा। और इधर भी ₹1800, कितने बड़े बड़े डोर है यहाँ पर। चलो ठीक है, यहाँ का भी पैक ही कर देता हूँ ना, ये एक साइड पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ किस चीज का काउंटर आएगा, इधर साइड में गेमिंग जोन आएगा मेरे को ये पता है। चलो ये एक वॉल, ये दूसरी वॉल विद पेंटिंग, बीच में का कुछ और आएगा। इधर साइड में एक फ्लोर लगा देता हूँ बाहर साइड से। अब अपने को ना इधर की वॉल लगाना है, ये एक वॉल, ये काउच, ये वाला दूसरा काउच और ये वाला तीसरा काउच। ठीक है, अब मैं ना कुछ देर इंतजार करता हूँ, पैसे काफी ज्यादा बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद में ना हम एक साथ में अपग्रेड करेंगे। 3:28 AM ऑलराइट, तो बहुत देर इंतजार करने के बाद में मैंने करीब करीब 1,75,000-76,000 रुपए जोड़ लिया है। अब फटाफट से बाहर ये चीजों को अपग्रेड करने की, पहले अंदर का सारा अपग्रेड कर लेंगे उसके बाद में बाहर जाएंगे। और देखना इतनी ज्यादा देर लग गई मेरे को इतने पैसे कमाने के लिए, और ये खर्च ना कुछ ही सेकेंड और कुछ ही मिनटों के अंदर होने वाले। यार ये तो पहले नहीं था, अभी आ गया। किसकी आवाज आई है,
अच्छा पानी की झरने की पता नहीं इस घर के अंदर ना, वैसे बेसमेंट भी अगर तुम्हें नहीं पता तो इस घर के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा बेसमेंट है जिसमें भी मिलियन डॉलर लग जाते हैं सिर्फ उसे बनाने के लिए। अब इधर साइड में क्या क्या चीजें, यार मैंने नल ऑन रख दिया था क्या, बाहर नलकी में से अपने पानी बह रहा है कंटिन्यू। यार अभी इतनी सारी चीजें बना लिया मैंने बट तो भी ना पैसे हमारे पास में अच्छे खासे है। आई गेस मैंने ये नल ऑन रख दिया था ना, ये टैप ऑन रह गया था। 1200 में यहाँ पर ऊपर स्टेयरकेस लगा लेते हैं, पहले नीचे का पूरा ए टू जेड होगा काम, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। इधर एक फायरप्लेस आ गया, यार घर के अंदर कितने फायरप्लेस है, क्या हम बर्फीले इलाके ऐसी जगह पर रहते हैं पता नहीं। जो भी है फटाफट से विंडोज लगा लो। और हमारे घर के अंदर एक लग्जरी थिएटर भी है, ठीक है, प्राइवेट जिम, पता नहीं और क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। ये सच में किसी बिलियनर का घर है जो कि हम है भाई, 1800 रुपए खर्च किए हमने रूबक्स पे तो हम ही हो गए। फिर ये बॉलिंग वाला एरिया होगा, अगर जो भी मेहमान आएंगे वो यहाँ पर बॉलिंग करेंगे या फिर हम ही अपने दोस्तों के साथ में बॉलिंग वगैरह कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। बट इधर लाइटों की कमी हो रही है, आ जाओ, $1900 की लाइट है ये। अपना नीचे का फ्लोर पूरा का पूरा जगमगा चुका है। वैसे ये क्या है, गोल्डीफाई, 35 रूबक्स लग रहे हैं इसको, बट $5 और बढ़ जाएंगे हमारे हर एक सेकंड के, रहन दो भाई, $5 बढ़ रहे हैं। यहाँ मैंने इतना सारा खर्च कर दिया, अब ये नीचे का हो गया। अब मेरे को इधर बाहर साइड में ना जो जो चीजें रह गई है वो लगाना है। ये डोर ओपन होगा, चलो इधर से करता हूँ अनलॉक। खुल जा भाई दरवाजा, खुल जा। अच्छा यहाँ से आयो वहां का दरवाजा खुल रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अबे दरवाजे पागल तो नहीं है, यहाँ खड़े रहा तो वहां का खुला, वहां खड़ा रहा तो यहाँ का खुला, क्या जो भी है। इधर भी फ्लोर लगा लेते, बीम बैग लगा लेते, इधर एक और फायर प्लेस। भाई सच में हम कोई ना बर्फीले इलाके में ही रहते, इतने सारे फायर प्लेस जो लगे ना। अभी मेरे पास में तो भी $108,000 बचे हुए है। इधर आएगा हमारा स्विमिंग पूल, इधर कौन सा फ्लोर लग रहा है, हाँ ये देखो ये है हमारा स्विमिंग पूल। इधर भी एक और फ्लोर, इधर भी एक स्टेयर के, ज्यादा हम ऊपर जा सकते बट ऊपर नहीं जाना, नीचे का 100% होगा और आई गेस हो गया। अब ऊपर जाने की ही बारी है, बट स्टिल मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। अरे ना ना ना, ये फ्रंट का तो हमसे रह ही गया, फ्रंट का भी अपने को बनाना है ना। हाँ यस, फ्रंट का भी बनाना है। इधर कौन सी चीज रह गई, अरे हाँ बेसमेंट की सीढ़ियाँ है ना, ये इसी बेसमेंट की मैं बात कर रहा था। इसको सिर्फ अनलॉक करके अंदर जा, ये देखो एक वॉल कितने की आ रही है, $1,89,000 की आ रही है। ये काम ना हम सबसे एंड में करने वाले, अभी करूंगा ना तो कंगाल हो जाऊंगा कंगाल। यार इधर साइड में और कोई चीज आना बाकी है या फिर आ गई है, बाहर से घूम के चेक कर लेते एक बार, यहाँ तो नहीं दिख रहा मेरे को। इधर साइड में सारी चीजें कंप्लीट कर ली और अभी हम सर्वर में चल रहे हैं सबसे लास्ट। चार बंदे हमारे सर्वर के अंदर और चारों भी बहुत ज्यादा अमीर है, सिर्फ हम ही यहाँ पर गरीब है, ठीक है। इधर भी एक और फ्लोर, भाई $1,29,000 हमारे पास में हो गए और हमारी हर सेकंड की इनकम हो गई $254। करते जाओ भाई अपग्रेड जितनी ज्यादा स्पीड से कर सकते हैं। ये हमने रूबक्स खर्च किए तो भाई इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। ये खुली जगह पर कौन सी लाइटें लगने वाली, अच्छा ये पानी के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है और ये थी वो जगह खाली जहाँ पर अपने को कुछ लगाना था, लगा दिया अभी यहाँ पर। इधर भी और चीज ऐसी छूट रही है ना, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ से भी रास्ता है, मतलब ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए टोटल हमारे पास में 3 रास्ते हैं। इधर भी विंडो आ जाएगी तो पानी के अंदर जाएंगे कहाँ से, इंडोर स्विमिंग पूल है हमारा वैसे ये। इधर भी फ्लोर और वॉल, इधर भी डाइनिंग टेबल, ये एक टेबल, ये खाने वाला एरिया हो गया है हमारा, ये चेयर, ये कारपेट, ये सीलिंग, ये काउच। लाइट पहले लगाते क्योंकि अंधेरे के अंदर ना समझ में नहीं आता। अभी मेरे पास में $82,000 तो भी बचे हुए हैं बट मैं बहुत ज्यादा स्पीड से सारे के सारे ना पैसे खर्च करते जा रहा हूँ भाई, एकदम गोली जैसे। अरे खत्म ही नहीं हो रहा ये फ्लोर, इतना सारा पैसा लगा दिया मैंने यहाँ पर, एक एक चेयर कितनी महंगी महंगी आ रही है इनकी, ऐसी की तैसी। सारे पैसे तो ऑलमोस्ट मेरे पास खर्च हो गए, अभी सिर्फ और सिर्फ $48,000 बचे। $9,000 का लैंप, वॉट, तुम्हारा भाई सच में बहुत ज्यादा पैसे वाला है। चलो ये वाला हो गया इधर का क्लियर, मैं एक एक साइड पहले पूरा का पूरा 100% क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद में ही आगे बढ़ रहा हूँ, वरना ना इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा मेंशन है हमारा, दिमाग से निकल जाता है कि फिर और क्या चीज कर रही। यार मेरे को लग रहा है ना हमारे अब पैसे खर्च हो गए, हो जाएंगे नहीं, हो गए हमारे सारे के सारे पैसे खर्च। 45 रूबक्स दूंगा ना तो मेरे को $1,00,000 और मिल जाएंगे, बट जरूरत नहीं है, मुझे इंतजार करूंगा ना, मेरे को फ्री के मिल जाएंगे, रूबक्स खर्च करने की जरूरत नहीं। और मैं $1,000,000 भी 350 रूबक्स दिया ना तो मेरे को मिल जाएगा, बट ना 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 ना, जो चीज इंतजार करके हो सकती है कंप्लीट उसमें पैसे क्यों खर्च करना। ये लो टेबल, इधर भी ये एक लैंप, अभी भी 10,000 है। यहाँ से एक डोर आ जाएगा, ठीक है,
और इधर से लाइट्स, ऊपर सीलिंग अभी लगाए नहीं, सीलिंग शायद से इधर का कुछ अपग्रेड करेंगे ना उसके बाद में सीलिंग्स लगेगी। इधर भी एक डोर। भाई पैसे देखो $358 हर सेकंड में अपने को आ रहे। हाँ इधर की लाइट्स रह गई थी ना, ये लाइट्स लग गई। अब पैसे खत्म, अब और कुछ देर इंतजार करते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा चीजें ना हम एक साथ में अपग्रेड कर सके। 2 hours later ये बड़े और हमारे पास में 270,000 रुपए हो चुके हैं। फटाफट से अब यहाँ पर भी यार ये गोल्डीफाई अगर परचेस कर लूंगा $5 और बढ़ जाएंगे क्या बने, बट मन नहीं कर रहा, वो $5 हमारे ऐसे बढ़ जाएंगे मैं अपग्रेड कर लूंगा। तो देख रहे हो अब तो और गोली हो चुका है तुम्हारा भाई, बस तुम लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के ठोक दो ठीक है। 4 lakh होने के लिए बस इतू से सब्सक्राइबर्स, बस ऐसे मुट्ठी भर के, बस इतने से मतलब समझ जाओ इतने से बचे हुए सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। 1,95,000 हमारे पास में बचे हुए और अभी $406 हर सेकंड की हमारी इनकम हो चुकी है। ये है हमारे बंगलों का, हमारे मैंशन का किचन एरिया, यहाँ पर हमारे शेफ वगैरह वो रह गए। यार इतने बड़े इसमें गेमिंग रूम नहीं है, एक गेमिंग रूम भी अगर हमारे लिए आ जाता ना तो फिर ज़्यादा बढ़िया होता। अरे पूरा का पूरा क्या मेरा माल किचन के अंदर ही लग जाएगा भाई, 2.5 lakh से सीधा मैं 1,22,000 के आसपास आ गया हूँ। वॉट इधर हमारा, हाँ ये चेंजिंग रूम होगा आई गेस, यस ये चेंजिंग रूम और या फिर बेडरूम ऐसा कुछ तो होगा। अरे हाँ ये फ्रिज है, ओके 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 यहाँ पर फ्रिज, इधर साइड में विंडो, ये क्या बुक पढ़ने के लिए कुछ एरिया है या फिर क्या है पता नहीं। ये किचन है, अंदर भी किचन बाहर भी किचन, किचन ही किचन। हाँ कभी मेहमान वगैरह आ गए हैं तो उनके लिए फिर दो दो किचन की जरूरत पड़ेगी ना, ज्यादा लोग अगर घर आ जाएंगे अपने तो। ये है हॉलवे बड़ा सा, पहले इधर के जो छुटपुट चीजें रह गई है वो कंप्लीट करते हैं। बाथरूम के अंदर क्या, ये वॉल आ गई, ये भी वॉल, सिंक, ये मिरर, इतना आलीशान भाई मैं तो कम से कम 2 दिन लगा के टट्टी करूंगा यहाँ पर, इतना बड़ा रूम है खूबसूरत सा, मतलब बाथरूम। ये और वॉल्स, ये फ्लोर्स, इधर भी वॉल्स, इधर भी वॉल्स, अरे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर जो कि खत्म ही नहीं हो रही, मैं अपग्रेड करता जा रहा हूँ भाई। आई गेस ये जिम होने वाला है, ओके ये जिम। पैसे खत्म, मेरे पैसे खत्म हो गए, इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ पर सारी चीजें लगाई भाई, पैसे सच में खत्म हो गए हमारे पास में। बट चलो पैसे अब आ रहे हैं, $500 ऑलमोस्ट $500 हमारे प्रति सेकंड आ रहे हैं। ये $9,000 का है एक ट्रेडमिल, चला जाइए एक ट्रेडमिल। ये बेंच प्रेस, यार प्राइवेट जिम घर में कुछ हो ना हो, एक प्राइवेट जिम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ये डंबल की रैक भी लगा लेते हैं, जिम का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस इधर साइड में ना एक और अपने को डंबल की रैक लगाना है ठीक है। टीवी यहाँ पर टीवी लगा देंगे, टीवी कौन सा साइड आएगा, इस वाली दीवार पर अगर हम टीवी लगाएंगे देखेंगे कैसा। वैसे टीवी के ऊपर आता क्या है, मीट द जैक्सन फैमिली, रहने दो अभी बंद कर देते हैं। अब बारी है होम थिएटर बनाने की। अरे मैंने यहाँ जिम के अंदर सीलिंग नहीं लगा भाई साहब, चलो ठीक है सीलिंग लग गई, अब लाइट्स लगाना बाकी है। ये लो लाइट्स, अब तो हो गया ना भाई 100%, चलो ठीक है अब बारी है इस वाले बेडरूम को सजाने की ठीक है। ये बेडरूम ही है एक हिसाब से, बट बेडरूम को पहले सजाए या फिर यहाँ पर एक हम अपने लिए थिएटर पहले बना ले। चलो एक काम करते हैं, वॉल्स लगाना, थिएटर का काम पहले स्टार्ट करेंगे उसके बाद में अंदर का करते हैं। इधर ये एक वॉल्स आ गई, ये दूसरी वॉल पूरी फोम वाली है जिससे साउंड रिफ्लेक्ट ना हो, और यहाँ पर ना थोड़ी बहुत चेयर लगेगी। यार ये सस्ते में मतलब $8,000 में देख रहे हो कितनी सारी अपने को चेयर मिल गई। सीलिंग आ रही है 40,000 की, लगभग 40,000 की, पूरा का पूरा लग्जरी थिएटर आ गया हमारे घर के अंदर। बट मैं ना पहले 17,000 की स्क्रीन लगाऊंगा, छत का इतना ज्यादा टेंशन है नहीं, खुले में भी पिक्चर देख सकते हैं हवा खाते खाते। ऑलराइट तो इस बार मैंने काफी ज्यादा देर और इंतजार किया हुआ और इस बार हमने सीधा 16 lakh रुपए जमा कर लिया। बहुत देर लग गई इतना पैसा करने के लिए, बट इतने पैसे के अंदर ना अभी हम अच्छा खासा अपग्रेड कर सकते हैं और $528 हर सेकंड की हमारी इनकम हो चुकी है। ये जिम पूरा का पूरा अपग्रेड हो गया है, अब बारी है इधर से स्टार्ट करने की। यहाँ पर है खूबसूरत सा बेडरूम, इधर वॉशरूम होगा आई गेस, पता नहीं जो भी है। चलो वॉल्स वगैरह वो लगाते हैं, अंदर का कुछ करना नहीं है क्या, चलो ठीक है अब हमें सिर्फ और सिर्फ दौड़ते जाना है और चीजें अपग्रेड होते जाएगी। ये पहला हमारा बेडरूम बन गया है खूबसूरत सा, इधर भी वॉल आ गई, इधर भी वॉल, इधर अच्छा ये चेंजिंग रूम होगा या फिर बाथरूम, वॉक क्लोजेट है हमारा यहाँ पर, सारे के सारे कपड़े वगैरह रह गए। यस बाथरूम भी है, वेरी नाइस। बाथरूम अंदर से होता और चेंजिंग के लिए यहाँ से होता ना तो फिर ज्यादा सही रहता, मतलब टॉयलेट बाथरूम अंदर साइड
साइड से चेंज करने के लिए यहाँ पर, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। अब इधर लगेगी एक टीवी, ये ड्रॉर, और इधर एक और टेबल, एक चेयर, और क्या बचा है यहाँ पर, एक सीलिंग आ गई, और ये लास्ट में लगा देते हैं कुछ लाइट्स। ये वाले रूम का काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बची है थिएटर, तो थिएटर के अंदर फटाफट से लगा लेते हैं सीलिंग $39,000 की। अब यहाँ पर कुछ बचा है ना, कुछ भी नहीं बचा, थिएटर का भी काम कंप्लीट हो चुका है। इधर भी आई गेस ना एक बेडरूम बनेगा, मास्टर बेडरूम या फिर ऐसा कुछ तो बनेगा, इधर जो भी बनेगा देख लेते हैं। इधर भी एक वॉल और विंडो, इधर भी डोर, और इधर बेड, इधर टीवी, इधर वॉल, ये बाथरूम है, ये वाला गारंटी बाथरूम है। यहाँ से अगर वहां जाने के लिए भी रास्ता अगर होता तो काफी ज्यादा सही शॉर्टकट होता, बट खैर कोई बात नहीं। टेबल चेयर आ गई, यहाँ पर सीलिंग, और ये लाइट्स, और ये ड्रॉर, हर एक चीज अब देखना कि कितनी ज्यादा महंगी होते जा रही है। अभी तो ये नीचे का ही फ्लोर है, अभी ऊपर का काम करना बाकी, अभी बहुत सारी चीजें ऐड होनी बाकी है। ये शायद से ना बाहर का, हाँ ये अपनी गैलरी होगी, एक छोटा सा ना मतलब गार्डन टाइप बोलो, या फिर खुले में हम जैसा बैठ सकते हैं ना उसके लिए। ये फायरप्लेस ही फायरप्लेस पूरे घर में हम लगाए जा रहे हैं, बस हो गया। इधर का भी काफी ज्यादा खूबसूरत, अंदर की भी ना सीलिंग लगा लेते, डोर को करते ना खुल जाना भाई, दरवाजा खुल जा भाई, मेरे को अंदर जाना है। अभी मैं क्या उतनी दूर से घूम के जाऊंगा वहां पर, ना मैं यहीं से सारी चीजें कर लूंगा, ठीक है। ये लाइट्स और कुछ है, और कुछ है, लाइट परचेस्ड, हमारी इनकम बढ़ गई, अब $636 प्रति सेकंड हम कमा रहे हैं। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, नीचे का भी पूरा 100% हो गया, ऊपर का भी 98%। एक बार चेक करते हो कि हमारा टोटल प्रोग्रेस हुआ कितना है, 57% हमने प्रोग्रेस कर लिया है। इधर साइड में भी थोड़ी सी पूल चेयर लगा लेते हैं, और ये ना पूरा का पूरा ऐसे इनफिनाइट पूल होने वाला है यहाँ से हमें से। ओहो, अरे अरे अरे, क्रिस जैसे स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ से हम, इजीली ऐसे स्विमिंग करके ना भाई जिंदगी के आराम ले सकते हैं, जिंदगी के पूरे पूरे मजे ले सकते हैं। यहाँ पर है अनलिमिटेड डोर, और यहाँ से अब जा रही है स्टेयरकेस ऊपर साइड में। अभी भी मेरे पास में ना 11 लाख रुपए बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा पैसे ही है इसके अंदर। आई होप इतना तो कम से कम मैं बना लूंगा। पैसे जमा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया, खर्च करने के लिए ना मतलब ऐसे कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट के अंदर ही हम सारे के सारे ना भाई खर्च कर दे रहे हैं। पूरे के पूरे वॉल्स ए टू जेड अपग्रेड करेंगे एकदम मैक्स लेवल का। ये है सीलिंग, बिल बैग, ये मेरा गेमिंग रूम तो नहीं है, ओ यस ये हमारा गेमिंग रूम है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। अभी 6 लाख रुपए बचे भाई, 6 लाख के अंदर आई होप। यार ये तो काफी सही चीज है, यहाँ पर ऐसे आराम करो और सनसेट का मजा लो, सनराइज का मजा लो, मतलब इन शॉर्ट एंजॉय करो, वो भी भर भर के। इधर साइड में क्या आएगा, क्या इधर भी एक जिम आने वाला है। इतने तो लोग हैं नहीं जितने हम यहाँ पर चीजें लगा रहे भाई, और देखते ही देखते हमारे पास में सारे पैसे अब खर्च हो चुके हैं। इधर अंदर तो बहुत सारा मतलब इधर बेड वगैरह लगाया नहीं, एक एक रूम का काम 100% होना चाहिए, तब जाकर दूसरा काम करूंगा, वरना ना मजा नहीं आता फिर। यार 4.5 लाख रुपए ही बचे हैं मेरे पास में, तो अब कितना सारा पैसा, मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने कितने लाख डॉलर या कितने मिलियन डॉलर या कितने बिलियन डॉलर ना यहाँ पर खर्च कर दिए। 16 लाख तो अभी लेके आया था, मिलियन में तो हमारा हिसाब होगा नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है ना मैंने शायद से 60-70 मिलियन के आसपास में ना खर्च कर दिए अभी इस घर के अंदर, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। अंदर से लाइट देख रहे हो, हमारे गेमिंग रूम से सीधा लाइट है पूरी की पूरी ऐसी बाहर आ रही है। अभी तो पेंट हाउस का अपग्रेड करना बाकी है, बीच हाउस का अपग्रेड करना बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो 2 रूम हो गए, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हम किचन बनाने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे बेडरूम बना के कुछ मतलब नहीं है। नीचे के फ्लोर पे कितने सारे बेडरूम और कितनी ओपन स्पेस और सारी चीजें आ गई। इधर पता नहीं, ये शायद से हाँ ये बेडरूम नहीं है, यहाँ पर भी मतलब ये चिल जोन समझ लो इसे, ये भी एक छोटा सा चिल जोन है। यहाँ पर आराम से बैठ के बातचीत करो, खाओ पियो, और हमारे पास सारे के सारे पैसे अब हो चुके हैं खत्म। 6000 रुपए बचे मेरे पास में, 6000 में कुछ नहीं आने वाला। तो भी कितनी सारी चीजें हैं जो अभी रह गई है, अभी बनाना बाकी है। बट तुम्हें ना मैं पहले बाहर से व्यू बताता हूँ कि बाहर से कैसे दिख रहा है। तो अगर इधर से देखेंगे तो भाई कोई भी चीज का टेंशन नहीं है, सारी चीजें बढ़िया लग रही है। बट इसके ऊपर ना एक और फ्लोर आने वाला है, उसके ऊपर फिर छत आएगी, और छत के ऊपर रहेगा हमारा हेलीकॉप्टर। अभी मतलब कम से कम ना 100 मिलियन के आसपास में अभी हमें खर्च करने, 100 मिलियन तो नहीं, कम से कम 50 मिलियन के आसपास में अपने को खर्च करने हैं यहाँ पर। बट एक काम करते हैं हम, आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक जरूर करना।
मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।